इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर। आप देख सकते हैं जिस तरीके से कल खबर चलाई जा रही थी कि गाजीपुर बॉर्डर पर जो धरना चल रहा है उसको हटा दिया गया। आप फिर सीधे तस्वीर आप देख सकते हैं कि अभी भी वैसे ही कैंप लगे हुए हैं। और हम यहाँ पर आपको एक खास बात बताते हैं कि आम आदमी पार्टी का ये जो दवा का फ्री मेडिकल कैंप लगा हुआ है, 2 महीने से ये लगातार लोगों की खिदमत कर रहे हैं। हम सर से जानेंगे, नाम क्या है सर? मेरा नाम विजेंद्र कुमार प्रेमी जी है। आप ये लगातार 2 महीने से लोगों का इलाज फ्री कर रहे हैं, मेडिकल खोले हुए हैं, कैसे कैसे लोग आप तक अभी आपके सामने आए? हमारे यहाँ खांसी जुकाम बुखार जो मौसमी बीमारियाँ हैं उसके लोग ज़्यादा हैं, एलर्जी है, बीपी है, शुगर है, तमाम तरह की जाँचें हैं या कुछ भी हम कर रहे हैं, दवा दे रहे हैं, सभी चीज़ें फ्री दे रहे हैं। और जिस तरीके से अगर कोई सीरियस केस आता है जैसे किसी की चोट लगी उस तरीके, अगर कोई क्रिटिकल है जैसे पीछे हार्ट अटैक हो गया लोगों को, यहाँ पीछे हार्ट अटैक हुए तो हमने उनको फर्स्ट एड दे करके तुरंत उनको एम्बुलेंस में रवाना किया नज़दीक में लाल बहादुर शास्त्री सरकारी हॉस्पिटल यहाँ कल्याणपुरी में, और इधर पीछे मैक्स भी है। अकॉर्डिंग टू जैसे कि डिमांड है पेशेंट की वैसे उसको हम आगे रेफर कर देते हैं। और आप लोगों को किस तरीके से मतलब किसानों को समर्थन कैसे मिल रहा है, या आपको आपने अपनी तरफ से ये पहल की या सरकार ने आपको ऑर्डर दिया तब आप यहाँ पे? हम लोग केजरीवाल के सेवादार हैं और अपनी तरफ से ही इस पूरे कैंप को हम आयोजित कर रहे हैं, और मेरे एक दो साथी हम लोग आपस में कंट्रीब्यूट करके दवाइयाँ पिछले 2 महीनों से लेकर के आते हैं। सरकार की तरफ से फंड नहीं मिल रहा है? नहीं, सरकार की तरफ से कोई फंड नहीं है, लेकिन हम केजरीवाल के सेवादार हैं और महज सिर्फ और सिर्फ सेवाएं देने के लिए हम लोग यहाँ किसानों के साथ हैं। मैं आप भी मैम लगातार 2 महीने से ही हाँ जी 2 महीने से रखी है। क्या कहना चाहेंगे आप किसान आंदोलन को लेकर? किसान आंदोलन के साथ हैं हम और किसानों की सेवा के लिए लगे हम। इस तरीके से कल किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी कि किसान आंदोलन जो गाजीपुर से है उसको हटा दिया गया, इसके बारे में यह मोदी मीडिया कर दी है जो मोदी की मीडिया है, बाकी कोई ऐसा नहीं हुआ। इस टाइम हमारा इतना प्रभाव है ना, आंदोलन और चल रहा है, जोर से चलेगा, ये खत्म होने वाला नहीं है।